हेलो, सलाम आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या हाल है यार? सबके सब ठीक ठाक हो? तो यार, आज का मैं एक जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या प्लान है। तो यार, आज मैं जा रहा हूँ बाई ट्रेन कैंटरबरी, जो कि तकरीबन यहाँ से लगेगा मुझे 1 से 1.5 घंटा जाने में। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम सोलो ट्रेवल होगा बाई ट्रेन, क्योंकि उससे पहले भी आपने एक ब्लॉग में देखा था कि मैं ट्रेन में गया था, लेकिन उस टाइम मेरा भाई था, तो उसने उसके पीछे पीछे चलना था यार, तो उसमें पता नहीं लगता कि क्या चीज़ कैसे है। तो यार, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं हूँ थोड़ा सा नर्वस, और जो कि हर एक कोई होता है एक नई कंट्री में, जहाँ पर नई कंट्री हो, नए लोग हों और नई जबान हो। तो चलो फिर यार, जबान तो मैनेज कर ही लेता है इंसान, लेकिन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन यार, एट द एंड हर एक इंसान को ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं और ट्राई करनी पड़ती है अपने आप अपनी चीज़ों का सामना करने की। तो यार, आज है बहुत ज़्यादा ठंड और मैंने पहन रखी है, देखो, अंदर टी शर्ट और ये जर्सी और ये है मेरी डबल जैकेट। और यार, अभी जब के टाइम हुआ है तकरीबन, ये देख सकते हो आप, 3:26, और ये शाम का टाइम है और मेरी ट्रेन है 6:15 की। तो 6:15 से निकलूंगा मैं टन ब्रिज वेल से टॉन ब्रिज वेल, एंड टॉन ब्रिज वेल से फिर मेरी ट्रेन होगी कैंटरबरी की। तो यार, हमने टिकट लिए हैं ऑनलाइन और टिकट बुक की है मेरे भाई विक्रम भाई ने, जिनके साथ आप मेरी एक ब्लॉग देख चुके हैं, जो प्रीवियस ब्लॉग थी मेरी, वो आपने देखी है। तो यार, उन्होंने किया है टिकट मेरी बुक और अच्छी डील मिली। एक्चुअली £20 के अंदर हमें रिटर्न टिकट मिला, क्योंकि परसों को मुझे आना है, मंडे में आऊँगा। तो यार, इस जर्नी को आपके साथ शेयर करना है और मुझे भी इसका एक्सपीरियंस लेना है थोड़ा सा, तो बने रहिए मेरे साथ। और आपको बताता हूँ मैं क्या हाल है। मौसम बाहर खराब है, बारिश पड़ रही है, तो बारिश ऐसी है कि वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार, ये देख सकते हैं आप, बारिश, ऐसा कुछ मौसम का हाल है बाहर। और देखो, फिर भी यहाँ पर जो है लोग यूज्ड टू होते हैं इस मौसम के, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बारिश है, कितनी कैसा मौसम है। हर इंसान अपने काम को कंटिन्यू रखता है, देख सकते हैं आप लोग बिंदास खड़े हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और अपना जो भी काम करने के लिए वो हाई स्ट्रीट पर आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ जर्नी रहेगी, तो देखते हैं। तो भाइयों, अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। अब मैं चल दिया हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए। हल्का हल्का सा दिन निकल रहा है और हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। सो देखते हैं क्या होने वाला आगे। मौसम आप देख सकते हो, मौसम ऐसा ही है जैसा कि आप देख रहे हैं यार, बल्कि जो मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आज आसमान जो है गिरने वाला है, इतना खतरनाक मौसम है। पूरा रोड पे पानी पानी। और चल दिए हैं अपने सफर की तरफ। तो अभी तकरीबन हमको यहाँ से जाने में लगेंगे लगभग 15 मिनट बाय वॉकिंग। ये पूरी हाई स्ट्रीट है यहाँ की, ये हाई स्ट्रीट का नजारा है, आप देख सकते हो। ये कुछ आपको याद दिलाएगा दिल्ली का कैनॉट प्लेस, ये कुछ ऐसा है यहाँ का नजारा। और ये है पूरी हाई स्ट्रीट, ये पूरी हाई स्ट्रीट, ये म्यूजियम है यहाँ का, ओपेरा हाउस। और ये सब होटल हैं। और यार, हमें जाना है बहुत दूर, जो तकरीबन वहां सामने पेड़ दिख रहे हैं और आगे लास्ट में आपको दिख रहा है, शायद वहां तक हमें जाना है। तो बने रहिए, चलते हैं और आपको दिखाता चलूंगा जैसा भी है यहाँ का मौसम, यहाँ का रात का व्यू बहुत शानदार है, बहुत प्यारा है।
सकते हैं आप। तो यार ये होता है यहाँ का नज़ारा रात का, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा। और एक्चुअली होता क्या है यार कि जैसे अभी गाड़ियां जा रही हैं तो अब हमें उस साइड जाना है, तो जैसे हमें उस साइड जाना है तो उसके लिए हमें इस जगह प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो उधर वो लाल दिखाई दे रहा है ना, तो अब यहाँ जैसे हम प्रेस करेंगे ना, ये हमने प्रेस किया, ये डेट आया लिखा हुआ। अब होगा क्या, जब वो ग्रीन हो जाएगा तो हम यहाँ से बाय वॉक जाएंगे, अदरवाइज ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते इस जगह को। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रोड क्रॉस होता है, तो इस चीज का सबको ख्याल रखना चाहिए। और हाँ यार यूके है तो फिर रूल भी हैं और रेगुलेशन भी हैं, और ऑफकोर्स यार ये सब हमारे लिए ही बनाए गए हैं, और सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे भी जो यूके में रह रहे हैं उनको भी, और जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी। ऑलमोस्ट यार चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ पर, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये अपना, आप देख सकते हैं जो ये घड़ी दिखाई दे रही है, एक्चुअली यही जो है रेलवे स्टेशन है यहाँ का, जहाँ मुझे जाना है। और ये यहाँ की हाई स्ट्रीट है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यार इस मौसम में जो है ये नज़ारा और प्यारा लग रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, और आप भी देखते चलिए। और ये देख सकते हैं एक नज़ारा इधर से, शांति शांति शांति। तो यार चलते चलते हम लोग आ गए हैं तकरीबन तकरीबन अपने रेलवे स्टेशन के पास। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारी टैक्सीज, तो हमें जाना है घर से, ले रहे हैं टिकट, लेकिन यार हमें टिकट लेने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास ऑलरेडी टिकट है। तो यार फाइनली मुझे अपना प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर था 1 जो ऑलरेडी मेरे टिकट पे लिखा था। लेकिन यार वो वही होता है ना कि जब आदमी फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है। और जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा था कि मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तो वही मेरे साथ हुआ। बहरहाल वो आप देख रहे हो वहां से जो ये अपना ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, ये दिख रहा है। इस ब्रिज से होके मैं फिर उधर ऊपर से चल के फिर ऐसे आके ऐसा आके इधर से नीचे आया। तो वो जिसने मुझे बताया था एक्चुअली, वो उसने थोड़ा सा गलत बताया था मुझे, और वो यहीं का कर्मचारी था जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कोई देसी था अपना। तो बहरहाल फिर दोबारा में उन्होंने मुझसे सॉरी कहा, और फिर सही रास्ता मुझे दिखाया, और फाइनली मैं अपना प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। अभी जस्ट ट्रेन गई है यहाँ से, जो 6 बजे की ट्रेन थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और यार कितना क्लीन है, सब लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, सब खड़े हैं आराम के साथ, और ऊपर चल रहा है ये डिस्प्ले, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं ऐसा। बस एक घबराहट या एक इंसान थोड़ा सा नर्वस होता है, वो सबके साथ होता है नेचुरली। तो यार जो भी यहाँ पर रह रहे हैं यूके में उनके साथ भी ऐसा होता होगा, और लोगों के साथ भी, होपफुली मैं मानता हूँ इस बात को, तो मेरे साथ भी चूंकि ये हुआ है तो नो प्रॉब्लम यार, हार के बाद जीत ही होती है ना। तो यार फाइनली आ गई है हमारी ट्रेन, आप देख सकते हो हम अपने बैग के साथ हमारी ट्रेन। भीड़ भी देख सकते हो आप यार, भीड़ कितनी है, अच्छा खासा क्राउड हो गया है। हम चलेंगे इधर, देखो कितना ख्याल रखते हैं लोग,
धक्का मुक्की नहीं करने का भाई, आराम से चढ़ने का। तो यार ये है ट्रेन, यार ये फिर सीट है, और बोल प्लीज। तो यार ये है टॉनब्रिज वैली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो आपको 3D भी रहा होगा इधर से। तो यार देखो, इस पे यहीं पर प्लेटफॉर्म पे मैंने इंतजाम किया है साइकिल स्टैंड का। तो जिनके पास साइकिल है वो साइकिल अपनी स्टैंड पर लगा सकते हैं। तो यार ये चीज़ बड़ी पसंद आई मुझे, और स्टेशन काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है, और दे सकते हैं। बस हम हैं और हमारी तन्हाई है, और कुछ स्टूडेंट्स उधर खड़े हैं जो मजे ले रहे हैं, और आई थिंक वो भी वेट ही कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो इधर रखा है मेरा बैग, इधर हूँ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ यार, जल्दी से ट्रेन आए और जल्दी से अपनी जगह पर पहुंचे। यार बारिश पड़ रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और बहुत ठंड है। आई मीन बहुत ठंड का मतलब यार, हाँ ठंड है लेकिन बहुत बहुत नहीं है। तो फिर भी यार अभी ऐसा मौसम है तो कौन ऐसे बीच में फंसना पसंद करेगा। तो जल्द से जल्द होपफुली अपने घर पहुंचे और आराम करें। तो यार फाइनली हमारी ये आ गई है ट्रेन, ये आ गई है हमारी ट्रेन, और अब सफर होता है शुरू कैंटरबरी का। तो अब वो हम बताएंगे बस सीधा यार, जब कैंटरबरी उतर जाएंगे सही सलामत, होता है कैसा होता है बताएंगे आपको। सो यार फाइनली हम लोग आ गए हैं कैंटरबरी, और जा रहे हैं बाय वॉक। आई थिंक 10 से 12 मिनट लगने वाली है घर पहुंचने में, और घर पहुंचने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो यार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार देते रहें ऐसे ही यार।